हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने 5 दिन के बाद नहाया और आज शिवरात्रि है तो मैंने फास्ट रखा हुआ है। और क्योंकि आज लवी ने 2 बार मेरा पैर दुखा दिया, आज लवी ने मेरा 2 बार पैर दुखा दिया, और एक बार सुबह सुबह दुखा दिया सोए सोए में ही उठ के, और एक बार फिर से मेरे पैर में पैर रख दिया। तो पैर का हाल कुछ ऐसा है, और इसमें मैंने पन्नी बांध के नहाई है, पन्नी लपेट ली थी और उसमें टेप बांध लिया था, टेप लपेट लिया था, ऐसे नहाया है और सर भी धो लिया। आज फास्ट भी है और महाशिवरात्रि का व्रत था, दिन था आज, तो करना ही था व्रत, तो मैं जरूर करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मना कर रहे थे मेरे को सब, लेकिन मैंने व्रत किया, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। टाइम हुआ सुबह के 11 बजे, 2 बार चाय पी ली है। पूजा पाठ तो बहुत पहले हो गया था, मंदिर भी गई थी, मेरी बेटी गई थी जल चढ़ाने के लिए, तो मैंने उसको भेज दिया, मैंने क्या भेजा था, वो खुद से गई थी जल चढ़ाने के लिए। और ये दो बच्चे खेल रहे हैं, सोना और लव्या खेल रहे हैं। और आप क्या खेल रहे हो बेटा, मैं कैमरे से दिखाती हूँ। तो आप क्या खेल रहे हो, रिंग खेल रही है, रिंग डाल रहे हैं इसके अंदर, ये कुछ गिर गया, ये कुछ ऐसा है। लव्या के नानू लाए हैं लव्या के लिए टॉयज, दोनों बच्चे खेल रहे हैं। लव्या दुकान में जाके हल्ला मचाने लग गई, ये मेरे को चाहिए, हल्ला नहीं मचाने लगी, मतलब उस नानू को बोला ये चाहिए तो नानू ने लेके दे दिया। और अब दोनों बच्चे खेल रहे हैं। अभी सोना का तो ट्यूशन है, अभी सोना ट्यूशन जाएगी अभी 11:30 बजे। और पूजा पाठ हो गई मेरी, मैं आपको दिखाती हूँ अपने मंदिर का दृश्य। मेरे मंदिर का दृश्य कुछ ऐसा है, भगवान जी ये रहे, मैंने इसमें बैठ के पूजा करी, इसमें स्टूल में बैठ के इस तरह से पूजा करी है मैंने, और मंदिर नहीं जा पाई, भगवान माफ़ करना मुझे। ये हैं हमारे भोले बाबा जी, और ये मेरी बेटी अभी हरिद्वार गई थी तो वहाँ से लाई थी, ये योगी नहीं क्या आदि योगी, इनका नाम आदि योगी है, शिव जी का एक रूप है ये, शिव पार्वती जी यहाँ विराजमान हैं, आज इनकी शादी है। तो सभी को हैप्पी शिवरात्रि, शिवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। मंदिर कुछ इस तरह से सफाई करी, आज सुबह सुबह सफाई वफाई करी हमने, सारा घर साफ, मैंने तो नहीं करा, मेरी बेटी ने किया, मंदिर साफ किया, सब कुछ किया, काम बहुत हो जाता है एक जने के लिए। और अभी हम फ्री हो चुके हैं सब के सब, ये तो है मंदिर को जाते हैं आप, और हमारे समधन और समधन जी के बेटे जी आए हैं, जवाई से हमारे, और ये मुझे देखने आए हैं मेरे पैर को बैठे हुए हैं और मैंने ना डिमांड पे ये वीडियो बनाया है, मेरी समधन जी ने बोला है बनाओ, मैंने बना दिया। तो ये है हमारे समधन जी, और थोड़ी बहुत नाश्ता चल रहा है, व्रत वाला सबका फास्ट है, और ये तो मंजू है, इसको आप जानते ही हैं क्यों फास्ट फूड है ना। ये है मेरा भाई, ये है प्लेयर, ये है बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, ये क्रिकेट प्रेमी और खिलाड़ी, इसको आज मिला है बेस्ट प्लेयर का अवार्ड, तो ये है इसको मिला है आज बहुत। तो ये आखिर मेरा भाई ठहरा, बल इधर ला, इधर पिंछू आगे कर इसको थोड़ी, ये बेस्ट क्या लिखा है, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच है यार, ये इसमें साफ क्यों दिख रहा है, आप दिखा है, ये गजब गजब ये मिला है इसको आज। और ये है प्रियांश, ये खेलता नहीं है, बस खिलाता है, अब ये खिलाता है, ये देखो ये मेरी ट्रॉफी है। चल तेरी ट्रॉफी कहाँ है, पापा की है, मैं लाया था इसको, तू टॉफी खा। फिर राजू कैसा लगा तेरे को आज, तेरे को मिल गई ट्रॉफी, मोबाइल को छोड़ दे, बज्जर पड़ जा मोबाइल पे। अरे मैं कुछ कर रहा हूँ। क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री से बात कर रहा है क्या तू, है मोदी जी को बता रहा है मैं जीत गया करके। आज शिवरात्रि का व्रत है और इसने व्रत भी रखा है, फिर भी ये क्रिकेट खेल के आ गया और ट्रॉफी भी जीत के लाया, बहुत बड़ी बात है।
वेरी गुड मंजू, बता फिर तेरे को कैसा लग रहा है आज? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो हर हफ्ते लेके आते ट्रॉफी तो तुम ट्रॉफी का सेल लगाना फिर बाहर, मेरी भी ले जाना इतनी सारी ट्रॉफी, ट्रॉफी होगी बहुत ज्यादा। हां मेरी भी ले जाना, ट्रॉफी के सेल लगा देना तो फिर मैं भी जीतती हूँ तो अब मेरा भाई भी जीतेगा ही, है ना भाई? नहीं नहीं, हारने में गुस्सा नहीं होना चाहिए। नहीं होते हैं ये गुस्सा, हम पे निकालते हैं ये गुस्सा, मेरे पर प्रियांश पे। ये गलत बात है प्रियांश, प्रियांश पापा हारते हैं तेरे पे गुस्सा निकालते हैं? और नहीं तो क्या, हम पे भी निकालते हैं। इधर 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 मुझ पे तो नहीं निकालते। हां और चिल्ला चिल्ला के बोलते घर में, और वो पंखा भी चला के सो रखे हैं। वो हॉट बॉय है, पंखा चला के सोता है कुणाल, सर्दी पूरी सर्दी में पंखा चला के सोया। वो एक दिन भी उसने पंखा बंद नहीं किया, एक दिन भी नहीं, कितनी भी ठंड पड़ी तो पंखा चला के सोया वो। तो शाम के बज चुके हैं 3:30, मेहमान चले गए हैं और मेहमान आए थे सुबह 11-12 बजे करीब और चले गए। आज फास्ट था, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, खीर बनाई थी बस, मुनक्के की खीर बनाई थी, मुनक्के ही बोलते ना उनको, है ना? तो वही खा के चले गए और खाना खा के जाओ बोला, गई नहीं। मखाने मखाने, अरे यार क्या बोल रही हूँ, मुनक्के मखाने की खीर, खाना खा के जाओ बोला तो चले गए, नहीं खा के गए। यहीं पास में ही रहते हैं नोएडा, 12-22 में फिर आएंगे बोल रहे थे, हमारे रिश्तेदार हैं, समधन जी हैं हमारी, हमारे दामा जी की जो हैं ताई जी हैं, बड़ी मम्मी। तो फिर मिलती हूँ आपसे आगे क्या होता है। चाय पानी हो चुकी है, शाम का समय हुआ है, 5:05 हैं, 10 मिनट है ना। और प्रियांश अपनी जैकेट की जैकेट का वो चबा रहा है क्योंकि इसने कुछ नहीं खाया खाना आज। आज ना मेन क्या होना चाहिए, मंजू लो आज मंजू, हाँ मैंने ले लिया उसका, लिया अब तो ये डालना है। हाँ मेरे भाई ने जीता और आज इनको थोड़ी आराम मिल रहा है क्योंकि इनको आज दूसरी पार्टनर मिल चुकी है काम करने वाली। अब मैंने क्या कर दिया, क्यों बहुत किया तो अब बराबर काम करी, आधे बढ़ते वो मारी, आधे तुम्हारी, आधे वो करी, तो आज इसको थोड़ी बहुत राहत मिली है, नहीं तो बेचारी काम करते करते थक गई थी। पेट कम हो रहा है ना, पेट के बारे में मत बोल तो उसके, क्या तो, हाँ अरे हाँ गाइज आज तो और भी आने वाले हैं मेहमान, आपको दिखाती हूँ आज कौन कौन हमारे घर में आ रहे हैं। आज है महाशिवरात्रि का दिन, पावन अवसर, प्रियांश बोला पावन अवसर। प्रियांश मेरे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेगा? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो, भर भर के ऊपर गोली रखी हुई है इसलिए भर भर के। आप बोलते हो तो कहता मैं भी ब्लॉगर बनूं, मैंने को पूरा में आज के लिए बहुत उल्टा बोलने लग गया। मैं तेरे को ले रहा हूं जयपुर 1 महीने के लिए, ले जा तू इसको, ले जा मैं ले जाऊंगी, एक महीने सुधार के दे दे इसको, तेरे को इनाम देंगे फिर। राजू राजू तेरे को अपनी सारी ट्रॉफी दे देगा। तो जो प्रियांश को सुधारेगा ना, वो प्रियांश का पापा यानी कि मेरा भाई, उसको अपने सारे गिफ्ट सारी ट्रॉफी दे देगा। अगर कोई ऐसा इंसान है तो ले जाओ, और मेरा बेटा तैयार हो रहा है जिम जाने के लिए, बाहर वाले कमरे में, हम अंदर बैठे हुए हैं ठंड के मारे, ठंड तो नहीं है, अच्छा मौसम है वैसे, ठीक हो गया। लविया सोई है और हमको चाय मिल चुकी है बैठे बैठे, बाकी क्या चाहिए। आज फास्ट है, सबका फास्ट है, मंजू का भी है, प्रियांश का नहीं है, राजू का भी है, रीना का भी है और मेरा भी है, आज मैंने फास्ट रखा है। तो मिलती हूँ आपसे, अभी आपसे आने वाले हैं जो, उनको दिखाती हूँ आपको, जिनका हमको था इंतजार वो आ गए हैं, ये सब भी आ चुके हैं। ये मेरी बिटिया रानी आ गई है, ये मंडा खड़ी हो ना, ये आ चुकी है अपने बाल बच्चों को लेके। ये कुछ गलत वाने, इधर देखो वाने, इधर देखो बाल बच्चों का क्यों देखो, तो क्या हो गया, हम पड़ोसी हैं तो बैठे तो रहेंगे, तुम को हमारे वहाँ बैठ रहे हो, किसी के वहाँ बैठ रहे हो, किसी का कुछ खा रहे हो, ये है हमारे पड़ोसी, हम दोनों अकेले अकेले रहते हैं तो साथ ही बैठा करते हैं, टाइम पास करते हैं हम एक दूसरे का। तो हाय तूने खा लिया? व्रत है और खिला दो खिला दो, चिज्जी लाई है, चिज्जी अपने बाल बच्चों के लिए चिज्जी लाई है वो। टिक्की खाना है, टिक्की बनाएगी, जो मर्जी बनाओ यार। अरे आलू नहीं है, पापा से आलू मंगा लो, जो जो मर्जी मंगाओ। आलू तो है नहीं, आलू के डालू उसमें, हाय एक भी नहीं आलू उस दिन हमने सब बोला सारे। हाँ चलो पापा से मंगा, मंगा पापा से मंगा, चोंट चोंट देना।
तो आज है व्रत का दिन, हमारे घर में आलू ख़त्म, सब ऑन कैमरा हो रहा है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे हाई राम नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय।